कन्या से लग रही है, झूठे मुकदमे पाए जा रहे हैं और उसे कहा का साल ज्यादा बयान आना के भाई गदारियां दे दो कोई गल नहीं। जड़िया हुकूमत के मुंह न खून लगे लंबे समय तो साड़ी कौम के खून दियां प्यासियां ने की साड़ी नौजवानी उन्होंने मुहर दे देना चाहिए, उन्होंने हवाले कर देना चाहिए। सो भरावो गाना के सोचने का वेला समझ की लोड़ है। असि अज भी दूजे लीड़े पाड़ी जाने एक दूजे का विरोध करी जाने जवानी याद रखो आला समा होर भी भयानक आना। तख्त श्री दमदमा साहब इकट्ठर हुई समुची साह संघ जी फतेह जी सांझ पाईए, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मैं देख रहा सी जो रस्ते दे विचो आए हां तुसी सारे वख वख रस्ते चो लंघ के आए हो कि किस तरीके दे नाल पहला बिठाया होया किवें तलाशियां लईयां जांदियां ने, किवें इत्थे आई संगत नूं जलील किया गया खजल किया गया। असी गल अपने हकां दी करदे आ कि सानू साडे हक मिलने चाहीदे आ, सानू इंसाफ मिलना चाहीदा। हकां दी गल इंसाफ दी गल तां बहुत दूर है। आपां देखोगे साडे जिहड़े जन्म दिहाड़े ने साडे शहीदी दिहाड़े ने इह हकूमतां उन्हां नूं भी रोकण दे उत्ते किन्ना जोर ला रहियां ने। एक डर पैदा किया गया जिस डर दे करके मैं देखदा कि अज विसाखी दे उत्ते दमदमा साहब दे विच चिट्टा वड्डा कठ पहला हुंदा सी, जिन्नी वड्डी गिणती दे विच संगत पहला पहुंचदी सी उन्नी संगत इह डर दहशत दे करके पहुंच नहीं सकी, पर फिर भी जिन्ने आए हो यह जागदियां जमीरां की निशानी है, यह माझी अपने योधियां की निशानी है कि तुसी अपने अज खास सेरे जन्म जमले के उत्ते इस धरती के उत्ते आके नतमस्तक होए हैं। अगली गल मैं करनी चाहना कि जो पिछले जमाने विच वापरिया जो पूरे पंजाब के अंदर अज भी चल रहा है किवें नौजवानों दियां गिरफ्तारियां, किवें डरता माहौल, किवें झूठे मुकदमे, किन्ने पत्रकार अंदर किन्ने चैनल बंद, जाने हर वो आवाज दबण की कोशिश की गई। अज की ताजी घटना है, अज महराज पिंड विच सवेरे सवेरे बठिंडा पुलिस ने कई घरां दे छापे मारे आ। आम नौजवान कोई टीचर लग्या होया, कोई होर खेतीबाड़ी का काम करता है, उन्होंने घरे छापे मारे गए। कहा गया कि तुम अमृतपाल की टीम के साथी हो, किसी ने कोई टिप्पणी करती, कोई पोस्ट साझी करती, कोई वीडियो साझी करती, उन्होंने अज भी फड़िया जा रहा। पर दुख की गल यह है कि कारदस्ता के जथेदार उन्होंने बयान की आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई गिरफ्तारी दे दो। अकाल तख्त साहब ते जदों जदों भी कोई आया, जदों कोई मजलूम ने आके शर्त लई है तो अकाल तख्त साहब मजलूम की रखिया ते जान की पखिया। हमेशा ही अकाल तख्त साहब ने वोट आसरा दिता, सिर ते हाथ रखे अपने करावे दलिया के सामने छेवे पातशाही तो लैके जे आप इतिहास देखते हैं मराठे भी आए, कई हिंदू भी आए, कई मुसलमान भी आए, हर मजलूम की उतो रखा होंगी आ रही है। पर अज देखो जो साडे नौजवानों फल फड़ के डिब्रूगढ़ भेजा जाता, आसाम भेजा जा रहा, एनएसए लग रही है, झूठे मुकदमे पाए जा रहे हैं,
पांच साल ज्यादा आता है बयान आना कि भाई कतलाइया दे दो कोई गल नहीं। जिहड़ियां हुकूमतां दे मूंह नूं खून लग्या लंबे समय तो साडी कौम दे खून दीआं प्यासियां ने की साडी नौजवानी नूं उहनां दे मुहां च देना चाहीदा, उहनां दे हवाले कर देना चाहीदा। सो भरावो गल्लां ते सोचण दा वेला समझण दी लोड़ है। असीं अज वी दूजे लीड़े पाड़ी जांदे आ, इक दूजे दा विरोध करी जांदे आ, उह साडी जवानी नूं याद रखो। आला समा होर भी भयानक होना, सानू को के मारना, झूठे मुकदमे च बंद करना, साडी नलखुशी करनी है। ज्याई आपां डर के आपां चुप होके चुप बहुत खतरनाक हुंदी है। जिवें पिछले दिनां दे विच इन्हां ने पंजाब चुप कराया, आ धाणा दीआं धाणा फट्टियां ने, पैरामिलिट्री फोर्स दीआं वड्डे वड्डे रैंक दे अफसर इत्थे बैठे आ। ਇਹ ਡਰ ਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਆਈਸੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੇ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਬਾਰਵੀਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਘਰੇ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਤਾਬ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚੈਪਟਰ 7 ਤੇ ਚੈਪਟਰ 8 ਦੇ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਚ, ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖਵਾਦੀ ਮਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੈਡੀਕਲ ਨੇ, ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫਤਿਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਗੀਏ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਰੈਡੀਕਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਬਾਰਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੁੱਝਾ ਕਰਿਆ, ਹਮਲਾ ਲੁਕਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ, 800-900 ਸਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਵਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ,
जे वीर मनु का जिक्र नहीं होना, जे मस्से रंगण का जिक्र नहीं होना, सुखा सिंह महतार सिंह का जिक्र किवें होगा, बाबा बोलता सिंह बाबा गरजिया सिंह का जिक्र किवें होगा। यह इतिहास मुगलों के इतिहास को खत्म करने के बहाने समय जो सा पीढ़ियां पढ़ गया क्योंकि मुगल आए ही नहीं। असि तो अच परे एक ठोक के कहने ना कि साडा इतिहास और चमकौर की कच्ची गड़ी बोलती है जिसे कला कला सवा सवा लख लंघ गया। असि आनंदपुर साहब के वासी हैं जिथे खालसे का जन्म होया, जो सारा इतिहास के वजों खत्म कर देंगे तो साडे पले की बचना, पर सानू कोई परवाह नहीं। असि इन्हां गल्लां वल ध्यान ही नहीं मारिया और कई नौजवान इतने फोटो कराई जाते हैं। आ दो मेरे को आके खड़ गए, मैंने कहते भाई फोटो करानी है, मान साहब भी बैठे है फोटो करा के गए, मगर भी किवें करानी है, कहते बाहर जाना तां करा रहे हैं। साडा बहुत वड्डा तखाण दा भावो, असि खाली हो रहे हैं, असि पुकड़ रहे हैं पंजाब इतों वेले हो गए, तो पंजाब पिंडा के पिंड वेले हो गए, हर घर नंदाबाद चले आ, कला कला साडे नौजवान है मुंडा जां कुड़ी बाहर नूं भज्जी जांदा है, ते असी इत्थे घट गिणती नहीं होइआ। मेरी गल याद रखो, आने दस साल के बाद याद रखो की बनना पंजाब दे विच अपने नाल, आपां घट गिणती जोवांगे। जिहड़े प्रवासी इत्थे कब्जा कर रहे आगे वापस यूपी बिहार के वध गिणती हो जाणी, इह वी इक बहुत वड्डी साजिश है कि जान बुझ के सानूं चाहे नशे ना मारना, चाहे साडे कुदरती वसीले खत्म करना, चाहे साडे तो भजा के बेरोजगारी का डर खड़ा करके डर पैदा करके, जिहड़ा पिछले मुल्कपाल तो बाद 18 तरीक तो बाद डर पैदा किया गया, यह डर पैदा करके नौजवान लगातार भज रही है। सो धरती छड के ना भजो, यह साडी मां है, साडी जान इत्थे जिउंदी रहनी है, हरी रहनी है, बाहरले मुल्कां जाके सारियां गल्लां नूं जग नहीं लैणा, ना तुहाडे इतिहास ने, ना तुहाडे विरसे ने, ना तुहाडियां बोलियां ने, ते किसे चीज ने नहीं जाना, सब कासे खत्म हो जाना। मेरी गल याद रखियो, इस करके जी सद के जाओ, मैं हमेशा हस्ते हस्ते गल करदा बाहरले मुल्कां नूं जाओ, जी सद के जाओ, पर वापस परत के कमाई करके अपनी मां धरती ते आओ। सहमत हो तां जकारा लाओ इस गल दा। सो मैं अच्छी गल होर कर देना चाहना, मान साहब ने बोलना, मैं बस अखीरली गल करनी है, अपील यही है समुची कौम नू, सिख संगत नू, समुचे पंजाबियां नू, मान साहब नू भी कहना, मैं खालसा साहब जथा नू भी अपील करना, समुचियां जिन्नियां पंचक धिरां ने, जिन्नियां भी पंजाब हतैशी धिरां ने, जिहड़ियां पंजाब दा दर्द रखदियां ने, पंजाब नू प्यार करन वाले लोग ने, उन्हां नू कहना चाहना कि अज सानू अमृतपाल दा सहारा बनना चाहिए। सानू कले नहीं छड़ना चाहिए, मैं कहना साडे लख विचार वखरे ने होणगे, सिद्धांत वखरे ने होणगे, पर अज फर्ज बनता अज कलाकार साहब का ही फर्ज बनता, लहदार साहब का ही फर्ज बनता, बाकी तरह का ही फर्ज बनता कि असि जिन्ने साडे नौजवान असाम का जिन्होंने भेजे है उन्होंने वापस लिया जितने करके चाहे समुचा पंजाब सड़कों से आवे, तो सानू जो धक्केशाही कर रहे हैं, जो सारी करदार खुशी पिछले 18-20 साल हुई, जो मथे उत्ते दाग बढ़िया गया पूरी दुनिया के पूरे भारत में सिखां नूं किवें बदनाम किवें अतवादी बना के पेश किया गया, इन्हां नूं मुंह तोड़ जवाब देना पैणा। यह गोदी मीडिया तां हैगा ही है, पंजाब का कलमी चक मीडिया गोदी मीडिया भी नाल रलिया होया, इन्हां नूं मुंह तोड़ जवाब देना पैणा। समुची सिख संगत यह डर के विचों भय के विचों निकल के बाहर आओ, भी याद रखियो कले कले नूं इन्होंने सारे रिश्ता बना रखिए। किसी ने कोई कमेंट किया, किसी ने अपना कोई कहना के शेयर किया, किसी ने कोई लाइक किया, उन्होंने भी रिश्ता ने, यह सारे रिश्ता भरावो, कले कले जो गल शांत होगी, कले कला निशाने पे है, ये भरेखे जो भी घरे बैठे से घर के कुंडे मार के दरवाजे भेज के बच आ गए, जो इस करके अज इकट्ठे होके लड़ गए कि अभी अपनी आने वाली नस्लों पुस्तों बचा चाहते हैं, तो नहीं ये एडा जबर करने उतारू हो गए वाले करते देखोगे कि आप सोच भी नहीं सकते। साडा इको हाल है जी, अभी इकट्ठे होके सारे सुलझ गए, सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद।
जकारिया के रूप के पूरी गर्मी आवाज जवाब देना वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का।